नमस्कार दोस्तों, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज लिली थॉमस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2013। पर इस केस को समझने से पहले आप सभी लोगों को एक करंट कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि 2023 में, मतलब मार्च 2023 में, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। अब ये सजा इसीलिए सुनाई क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम का मिसयूज किया और इस सरनेम को डिफेम किया। ऐसा उनके खिलाफ एक केस दर्ज था सूरत के कोर्ट में, और सूरत कोर्ट ने इस केस में राहुल गांधी को सजा सुना दी 2 साल की। अब जैसे ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई, राहुल गांधी का जो मेंबरशिप था, मतलब वो पहले लोकसभा के सदस्य थे, वो अपनी सदस्यता खो दिए इस जजमेंट के बाद। नाउ What were the reasons that Rahul Gandhi had to lose his membership as the member of parliament? क्यों उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता खोई? अब ये समझने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स को समझना बेहद जरूरी है। वो 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 102 एंड 191 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आर्टिकल 102 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन एज अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बी इट लोकसभा और राज्यसभा। And Article 191 talks about disqualification of a person as a member of Legislative Assembly or Legislative Council. In short, 102 बात करता है लोक सभा और राज्य सभा के MPs के बारे में कि कौन से grounds के ऊपर MPs अपना जो membership है वो खो देंगे। And 191 talks about कि जो MLAs हैं वो अपना जो membership है of the Legislative Assembly, मतलब विधानसभा या विधान परिषद का उनकी जो सदस्यता है वो सदस्यता कैसे खो सकते हैं। Right? So these are 2 articles, 102 and 191. अब 102 and 191 में same clauses लिखे गए हैं। वो clauses क्या हैं? कि अगर कोई भी person, if he is holding any office of profit, or if he is an undischarged insolvent, or if he is of an unsound mind as declared by the competent court, or if he is not a citizen of India, or if he is disqualified any law made by the parliament. ये 5 grounds दिए गए हैं 102 और 191 के तहत, जिसके अंडर किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब रिमेंबर, इन दोनों आर्टिकल्स का जो लास्ट पॉइंट था वो ये था, अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया है कि आप एक लॉ फ्रेम करिए जिसके माध्यम से MPs या MLAs का डिस्क्वालिफिकेशन हम कर सकें। अब इसी पावर का यूज करके पार्लियामेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ बनाया जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अब इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 का सेक्शन 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs और MLAs। अब इस सेक्शन का 8 का जो क्लॉज 3 है ये समझना बहुत जरूरी है। द क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 8 सेज दैट एनी पर्सन हु इज convicted by a competent court and given a punishment of 2 years or more shall be disqualified as a member of the parliament or member of the state legislative assembly or council. अब इसका क्या मतलब होता है? सेक्शन 8 क्लॉज तो यह कहता है कि अगर किसी भी न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा सुना दी गई है किसी भी केस में, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जो मेंबरशिप है, फिर भले ही वो लोकसभा या राज्यसभा की हो या फिर वो विधानसभा या विधान परिषद की हो, वो अपनी सदस्यता तुरंत खो देगा। दैट इज व्हाट सेक्शन 8 क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट। अब 2013 से पहले इसी एक्ट में सेक्शन 8 क्लॉज 4 हुआ करता था। अब ये सेक्शन 8 क्लॉज 4 क्या था, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 8 क्लॉज 4 ये कहता था कि अगर किसी भी MP या MLA को किसी भी कोर्ट ने किसी भी केस में दोषी पाया है और सजा सुनाई है, तो उस व्यक्ति के पास सजा सुनाने के दिन से 3 महीनों का वक्त होता है। इस 3 महीने तक वो अपनी सदस्यता नहीं खोएगा, और इस 3 महीने के अंदर अंदर अगर उस व्यक्ति ने उस केस को चैलेंज किया इन द हायर कोर्ट्स, तो उसकी सदस्यता के ऊपर स्टे आ जाएगा, मतलब he will not lose his membership। अभी आप ही देखिए कि ये सेक्शन 8 क्लॉज 4 कितना डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को, किसी MP और MLA को कोर्ट दोषी भी पाता है, तो सेक्शन 8 क्लॉज 4 ये कहता था कि 3 महीने तक आप उस MP या MLA को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, और यदि इन 3 महीनों के अंदर अंदर उस व्यक्ति ने उस
केस के खिलाफ अपील की इन दी हायर कोर्ट्स, तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर स्टे आ जाएगा। सो इन शॉर्ट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज सेक्शन 8 क्लॉज 4 क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को बचा रहा है, क्योंकि जिन पॉलिटिशियंस के ऊपर गुनाह साबित हुआ है, कोर्ट ने उनको दोषी पाया है, उनको सजा भी सुनाई है, ऐसे एमपी एमएलए को सेक्शन 8 क्लॉज 4 बचा रहा है। एंड प्रिसाइसली इसी सेक्शन को लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में चैलेंज कर दिया गया 2013 में। अब 2013 में जब इस चीज को चैलेंज कर दिया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 8 क्लॉज 4 पूरी तरीके से इनवैलिड है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को एक स्पेस दे रहा है कि वो कोर्ट के खिलाफ अपील कर सके। सो इन शॉर्ट कोर्ट ने कहा कि ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बढ़ावा देगा। इसीलिए लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 क्लॉज 4 को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि लिली थॉमस केस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से मिटाने के लिए जुडिशियरी ने उठाया एक सकारात्मक कदम था। अब राहुल गांधी के केस में क्या यही हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ है। राहुल गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। अब राहुल गांधी को क्या हुआ कि वो 2 साल की सजा सुनाई, विच वॉज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 8 क्लॉज 3 जो मैंने आपको समझाया। इसीलिए इमीडिएटली उनकी जो मेंबरशिप थी ऑफ द लोकसभा, उस मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया गया। अब राहुल गांधी के ऊपर अगर ये केस प्रूव हो जाता है, मतलब अभी तो उन्होंने अपील की है, पर अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये अपहेल्ड करता है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो जजमेंट सुनाया सूरत कोर्ट ने और गुजरात हाई कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट भी उस जजमेंट को अपहेल्ड करता है, तो राहुल गांधी सिर्फ 2 साल तक जेल में नहीं रहेंगे, बल्कि वो 2 साल के बाद और 6 साल तक वो कोई भी इलेक्शन लड़वा नहीं पाएंगे। मतलब टिल द नेक्स्ट 8 ईयर्स राहुल गांधी विल नॉट बी एबल टू फाइट एनी इलेक्शन इन इंडिया, राइट? सो दिस वॉज अबाउट सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अबाउट द लिली थॉमस केस। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये केस समझ में आया होगा एंड यू वुड हैव अंडरस्टूड द रेलिवेंट प्रोविजंस। रिमेंबर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के खिलाफ ये एक बहुत ही बड़ा कदम था। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ और हमारे चैनल को, मतलब सुपर आईएएस को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।